हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, इट्स दीपक तिवारी जो मैथ्स टीचर हियर अगेन विद अ न्यू चैप्टर व्हिच इज एचसीएफ एंड एलसीएम। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एचसीएफ, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। देन व्हाट इज एचसीएफ? तो एचसीएफ इज अ ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स एग्जैक्टली, ओके, विदाउट लीविंग रिमाइंडर। जहाँ भी एग्जैक्टली की बात हो, डिवाइड करने की बात हो, यानी कि उसका रिमाइंडर नहीं बचेगा, वो रिमाइंडर जीरो होगा। सो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज अ फैक्टर और अ नंबर विच डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स एग्जैक्टली। सो लेट मी डिस्कस अबाउट एचसीएफ, हाउ विल यू फाइंड द एचसीएफ बाय डिफरेंट मैथड्स। द फर्स्ट मैथड वी विल बी डिस्कसिंग एचसीएफ बाय इंस्पेक्शन, बाय फाइंडिंग फैक्टर्स एंड बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ऐसे तीन तरीके हैं जिससे हम एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट मी स्टार्ट बाई यूजिंग एचसीएफ बाई इंस्पेक्शन। हाउ विल यू गेट द एचसीएफ बाई इंस्पेक्शन? बाई इंस्पेक्शन आप कैसे एचसीएफ को फाइंड करेंगे? सपोज वी हैव द टू नंबर्स 9 and 27, ओके, 9 and 27 आर द टू नंबर्स। सो व्हाट आर और विच नंबर is the common number which divides 9 and 27 both? तो 9 और 27 किस के मल्टीप्लीकेटिव टेबल में आएगा, यानी कि 9 और 27 का कॉमन फैक्टर कौन कौन सा होगा? तो फैक्टर्स की अगर बात करते हैं ऑफ 9 and 27, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 और 27 दोनों को ही एग्जैक्टली डिवाइड कर दे? तो ऐसे नंबर होंगे आपके, 1 तो हो गए, तो 1 को हम लीव करते हैं, तो एक नंबर होगा 3 एंड दूसरा नंबर होगा 9। सो 3 and 9, ये जो 3 और 9 है, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके टेबल में 9 और 27 दोनों ही आते हैं। मीन्स दीज नंबर्स 3 and 9 डिवाइड्स 9 and 27 एग्जैक्टली विदाउट लीविंग रिमाइंडर। सो अब इसमें देखते हैं हम बात क्या कर रहे हैं। हमारे पास अब दो नंबर आए जो कि डिवाइड कर रहे हैं उनको, तो उनमें से हाइएस्ट नंबर कौन सा है? 3 और 9 में ग्रेटेस्ट नंबर कौन है? 9। सो 9 इज द लार्जेस्ट नंबर, देन 3 लार्जेस्ट नंबर है, देन 3, देन 9 इज द एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 9 and 27 क्या हो जाएगा? इज 9, ठीक है। तो 9 जो कि एक लार्जेस्ट नंबर है बिटवीन देम, ओके, 3 and 9 दोनों ही फैक्टर है, किसके? 9 और 27 के। तो उसमें से लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा है? तो लार्जेस्ट फैक्टर इनमें से कौन सा है? 9। सो 9 इज द एचसीएफ ऑफ 9 and 27। हियर वी गेट, तो फर्स्ट मेथड इज बाय इंस्पेक्शन। तो इसमें हमने क्या किया? इंस्पेक्ट किया, यानी कि इंस्पेक्ट किया ये फाइंड करके कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर फॉर द टू और द मैनी नंबर्स वी आर गेटिंग। Then after that we have computed the largest or the greatest number of these factors. तो उसमें 9 को हमने देखा, तो 9 is the HCF of two factors, that is 9 and 27. Now the other method is by finding factors. By finding factors, how will you find the HCF of the two or more numbers by the factors? Suppose we have an example 12 and 18. Then 12 and 18 are the two numbers. Then we are going to find these factors, the HCF of these numbers by finding factor. So, आइए find करते factors. So, 12 के factors की अगर हम बात करें, यानी 12 किसके किसके table में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर table की बात करते हैं तो 2 6 12, 2 3 6 and 3 1 जा। तो यहाँ पर 12 के factors क्या बने? 12 will be equal to 2 into 2 into 3, clear? Then, अब 18 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। Then the factors of 18. तो 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके? 2 into 3 into 3, क्लियर है। अब चलिए अब फाइंडिंग फैक्टर्स की बात करते हैं बाई मल्टीप्लाइंग द फैक्टर्स टू ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा कितना हो गया? 2 2 जा 4 हो गया, into 3 we will get 12, okay? तो एक बार हमने 2 2 को एक साथ लिखा, 4 हो गया और 3 equal to 12। Then अब क्या करेंगे हम? 2 को अलग लिखेंगे, 2 into 3 2 जा 6, अब इसको अलग लिखेंगे, this will be equal to 12, here we get। Now
देयर आफ्टर ऐसे ही 18 को कंप्यूट करेंगे तो हम क्या करेंगे 3 को पहले ही करेंगे तो मल्टीप्लाई दिस वेक्टर्स वी विल गेट 3 3 9 3 3 9 एंड 9 2 दिस वन 9 2 18 देयर आफ्टर अब 2 3 6 को कर लेते हैं 6 × 3 = 18 चलिए अब हमने जिन को ओके जिन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है हम लोगों ने उसको हम फाइंड करते हैं उसके आधार पर देन द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 ठीक है 12 और 18 पहले हम 12 निकाल लेते हैं पहले हम 12 निकालते हैं तो 12 विल बी इक्वल टू देयरफॉर 12 विल बी इक्वल टू किसके किसके 1 के टेबल में आएगा ये सारा नंबर फिर किसके टेबल में आ रहा है 2 के टेबल में आ रहा है ठीक है फिर यहाँ पर 3 है 3 के टेबल में आ रहा है फिर यहाँ पर 4 है 4 के टेबल में आ रहा है फिर यहाँ पर 6 है 6 के टेबल में आ रहा है और यहाँ पर 12 वो खुद ही है तो 12 के ये जो फैक्टर्स होंगे वो ये होंगे फिर 18 के निकाल देते हैं 18 विल बी इक्वल टू 1 के टेबल में तो आना ही है देन 2 के टेबल में आ रहा है ठीक है देन 3 के टेबल में आ रहा है एंड ऑल्सो कम्स इन टेबल 6 देयर आफ्टर 9 एंड देयर आफ्टर 18 सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ बोथ 12 एंड 18 तो 12 और 18 के ये फैक्टर्स हो गए अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं तो 1 भी है तो कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर्स इसमें कौन है 1 है 2 दोनों में आ रहा है 3 दोनों में आ रहा है और 6 दोनों में आ रहा है देन 2 कॉमन हो गया 3 कॉमन हो गया और 6 कॉमन हो गया ओके देन 1 2 3 एंड 6 आर द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 12 एंड 18 तो 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स ये हो गए जो दोनों में आ रहे हैं देन अमंग दीस कॉमन फैक्टर्स व्हाट व्हिच इज द लार्जेस्ट फैक्टर तो लार्जेस्ट फैक्टर कौन है 6 है Thereafter, therefore, HCF of 12 and 18 is 6, which is the highest or the largest factor among these factors. So, HCF कितना हो जाएगा? HCF of 12 and 18 is 6. तो HCF क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा. It is clear or not? इसीलिए हम इसको HCF को greatest common multiple भी कहते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों क्योंकि ग्रेटेस्ट की बात की हमने कॉमन की बात की तो कॉमन है ये सारे नंबर और मल्टीपल की बात की ठीक है तो ये सारा आपका ग्रेटेस्ट कॉमन सॉरी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर था गलती से मल्टीपल लिख दिया तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी डिवाइड करने वाला ये डिवाइड करेगा 12 और 18 बोथ को इसीलिए हम उसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं HCF को ओके नाउ टू फाइंड द HCF वी हैव वन मोर मेथड दैट इज बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन सो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दिस तो प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पर आप कैसे HCF को फाइंड करेंगे सपोज वी हैव टेकन एन एग्जांपल व्हिच इज 45 एंड 30 नाउ 45 एंड 30 फाइंड द HCF ऑफ 45 एंड 30 बिफोर दैट यू नीड टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 15 सो 3 डिवाइड 45 इन 15 टाइम्स देन 3 5 जा एंड 5 बन जा ओके नाउ 30 इज डिविजिबल बाय 2 15 जा then 3, 5 here and 5 over there. Okay, then write the factors of these one. So therefore 45 will be equal to 3 × 3 × 5 and 30 will be equal to 2 × 3 × 5. So these are the factors which are the prime factors of these two numbers. 45 ke prime factors ye hain and 30 ke prime factors ye hain. Then aap dekhte hain, inme se common factors kaun kaun se? Common factors kaun kaun se? Ye 3 hai, These are the common factors between 45 and 30. Thereafter 5 ये है, 5 ये है. Clear? These are the common factors. So the common factors of 45 and 30 are what are the common factors? That is 3 and 5. So 3 and 5 are the common factors. But we are talking for the
greatest common factor or a divisor. Then multiply these two factors with each other. 3 into 5 will get 15. So 15 is the LCM of 45 and 30. So dear student, it is all about for today's session. We will be coming back to the next session. Till then, take care and bye bye.